करती हूँ भगवान सबको अच्छा रखे। तो जैसा कि मैंने कल माताजी पूजन का बताया था, अब प्रोग्राम ले जाते हैं चाक बासन और महिला संगीत। तो चाक बासन में लड़की जाती नहीं है, सिर्फ हम ही लोग थे। और जो महिला संगीत है उसका प्रोग्राम काफी बड़ा होता है, तो मैं इन दोनों के कपड़े आपको साथ ही बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चाक बसंत के दिन हमने ये वाला लहंगा पहना था, ये काफी हेवी है वैसे तो, लेकिन अच्छा लग रहा था तो हमने इसको खरीद लिया था। लेकिन पहनने पर कुछ पता नहीं चलता है, ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा है। जब हमने इसको भी खरीदा था तो ये ऐसा लग रहा था जैसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पहनने पर ये काफी अच्छा लगा। ये देखिए, तो ये हो गया। इसके बाद ये इसका ब्लाउज है, ये भी हेवी लुक में है। ये देखिए, ये क्या, इसकी चुन्नी हल्की है और इसकी वजह से ज्यादा भारी नहीं लगा ये चुन्नी की वजह से। तो ये हो गए चाक बासन के कपड़े। मैं आपको जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बताती जाऊंगी कि अपने को सबसे पहले एक पार्लर बुक कर लेना है। पार्लर में सबसे पहले अपने को मतलब मम्मी को तैयार होने जाना है, क्योंकि अपने को घर का काम भी संभालना है और आगे पीछे का सब देखना है। यदि अपन जल्दी तैयार होकर आ जाएंगे तो अपन घर का काम भी संभाल लेंगे। मैंने कई बार खुद तैयार होके जो बाथरूम के आगे पानी फैल जाता है उस तक को साफ किया है, क्योंकि उस टाइम सब मेहमान तो अपने अपने तैयार होने में लगे रहते हैं। अपने को घर भी देखना है और बाहर का काम भी देखना है। और उसके पहले सुबह जल्दी उठिए, भगवान को दीपक लगाइए, जो भी भगवान के चार पांच जो गीत होते हैं अपने देवी देवता के वो गाइए, ताकि भगवान का काम पूरा हो जाए। उसके बाद आप पार्लर जाइए, पार्लर मतलब आप जल्दी तैयार हो जाइए। हमारे मेहमान जो उठते थे उसके पहले ही मैं तैयार होकर आ जाती थी। वो लोग कहते थे अरे हमारा तो हाथ मुंह भी नहीं धुले, ये तो तैयार भी होके आ गई। तो इस तरह से मैनेज कीजिए कि अपन जल्दी तैयार हो जाएं। यदि अपन पीछे रहेंगे तो जो लोग बाग आएंगे अपन उनको भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि औरतें आ जाती हैं अपना काम निमटा के, और अपन यदि निमटते नहीं है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे घर वाले नहीं निमटे, तो कम से कम अपन तो तैयार हैं। चलिए ये जो ड्रेस है ये मेरी बेटी की है, ये काफी अच्छी लगी थी पहनने में। इसका आगे का लुक तो है लेकिन पीछे का देखिए ये, और ये आप डांस में देखिएगा, जब महिला संगीत का डांस हुआ था मैं आपको बताऊंगी उसकी छोटी सी एक झलक, क्योंकि महिला संगीत तो काफी बड़ा होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी झलक मैं सारी बताऊंगी, ताकि आपको ड्रेसेस भी देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह की लगी थी। ये देखिए, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से ये हो गई। और इसी तरह से ये ड्रेस, ये इसकी चोली है, ये इसका नीचे की, ये कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा लग रहा है देखिए। ये छोटी वाली बेटी ने चाक बसंत में पहना था, बहुत सुंदर लगा था। उसके बाद आरती है, करना होता है।
करती हूँ भगवान सबको अच्छा रखे। तो जैसा कि मैंने कल माताजी पूजन का बताया था, अब प्रोग्राम ले जाते हैं चाकबासन और महिला संगीत। तो चाकबासन में लड़की जाती नहीं है, सिर्फ हम ही लोग थे। और जो महिला संगीत है उसका प्रोग्राम काफी बड़ा होता है, तो मैं इन दोनों के कपड़े आपको साथ ही बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चाकबासन के दिन हमने ये वाला लहंगा पहना था, ये काफी हेवी है वैसे तो, लेकिन अच्छा लग रहा था तो हमने इसको खरीद लिया था। लेकिन पहनने पर कुछ पता नहीं चलता है। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा है। जब हमने इसको भी खरीदा था तो ये ऐसा लग रहा था जैसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पहनने पर ये काफी अच्छा लगा। ये देखिए, तो ये हो गया। इसके बाद ये इसका ब्लाउज है, ये भी हेवी लुक में है। ये देखिए, इसकी चुन्नी हल्की है और इसकी वजह से ज्यादा भारी नहीं लगा ये चुन्नी की वजह से। तो ये हो गए चाकबासन के कपड़े। मैं आपको जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं आपको बताती जाऊंगी कि अपने को सबसे पहले एक पार्लर बुक कर लेना है। पार्लर में सबसे पहले अपने को मतलब मम्मी को तैयार होने जाना है, क्योंकि अपने को घर का काम भी संभालना है और आगे पीछे का सब देखना है। यदि अपन जल्दी तैयार होकर आ जाएंगे तो अपन घर का काम भी संभाल लेंगे। मैंने कई बार खुद तैयार होके जो बाथरूम के आगे पानी फैल जाता है उस तक को साफ किया है, क्योंकि उस टाइम सब मेहमान तो अपने अपने तैयार होने में लगे रहते हैं। अपने को घर भी देखना है और बाहर का काम भी देखना है। और उसके पहले सुबह जल्दी उठिए, भगवान को दीपक लगाइए, जो भी भगवान के चार पांच जो गीत होते हैं अपने देवी देवता के वो गाइए, ताकि भगवान का काम पूरा हो जाए। उसके बाद आप पार्लर जाइए। पार्लर मतलब आप जल्दी तैयार हो जाइए। हमारे मेहमान जो उठते थे उसके पहले ही मैं तैयार होकर आ जाती थी। वो लोग कहते थे अरे हमारा तो हाथ मुंह भी नहीं धुले, ये तो तैयार भी होके आ गई। तो इस तरह से मैनेज कीजिए कि अपन जल्दी तैयार हो जाए। यदि अपन पीछे रहेंगे तो जो लोग बाग आएंगे अपन उनको भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि औरतें आ जाती हैं अपना काम निपटा के, और अपन यदि निमटते नहीं है तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे घर वाले नहीं निमटे, तो कम से कम अपन तो तैयार हैं। चलिए ये जो ड्रेस है ये मेरी बेटी की है, ये काफी अच्छी लगी थी पहनने में। इसका आगे का लुक तो है लेकिन पीछे का देखिए ये, और ये आप डांस में देखिएगा जब महिला संगीत का डांस हुआ था। मैं आपको बताऊंगी उसकी छोटी सी एक झलक, क्योंकि महिला संगीत तो काफी बड़ा होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी झलक मैं सारी बताऊंगी, ताकि आपको ड्रेसे भी देखने को मिल जाएंगी कि किस तरह की लगी थी। ये देखिए, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से ये हो गई। और इसी तरह से ये ड्रेस, ये इसकी चोली है, ये इसका नीचे घेर। ये कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा लग रहा है देखिए। ये छोटी वाली बेटी ने चाकबासन में पहना था, बहुत सुंदर लगा था। उसकी भी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये उसकी ड्रेस है महिला संगीत। ये सारे कपड़े हम लोगों ने सूरत से खरीदे अधिकतर। इसमें कुछ एक दो हैं जो छोटी वाली बेटी ने
हैं बॉम्बे से खरीदे थे, तो मैं उनको भी बताऊंगी आपको। ये देखिए,
महिला संगीत में जो छोटेली बेटी है उसने इस वाले इस ड्रेस को बॉम्बे से खरीदा था। ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ऐसा लगता होगा कि बॉम्बे में कपड़े कहाँ मिलते होंगे इस टाइप के, लेकिन ये उसकी खुद की अपनी पसंद है और ये बॉम्बे से खरीदी हुई है। देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है देखने में। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगा था और भतीजे के साथ उसने डांस किया था तो उसने भी मैचिंग के ही पहन रखे थे तो डांस बहुत अच्छा लगा था। आप लोग वीडियो में जरूर देखिएगा। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। इसके बाद दोस्तों महिला संगीत में हमने ये वाली ड्रेस पहनी थी। ये कलर हमको देखते ही बहुत पसंद आया था, अलग हटके है ये कलर। और इसका ब्लाउज भी कुछ ज्यादा हेवी भी नहीं है, ये पहनने में अच्छा हल्का है। और पूरे महिला संगीत में काफी देर तक रहना पड़ता है अपने को, आखिरी तक जब तक मेहमान जाते हैं तब तक करीब 12 बज जाती है। हालांकि 10 बजे खत्म हो जाता है महिला संगीत, लेकिन खाना वाना खाते खाते 12 बज जाती है, तो पहनने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत हेवी है। ये देखिए तो इस तरह से मैंने अपने ये जो कपड़े हैं ये सारे बता दिए हैं आपको। तो अब बस रहे हैं पार्टी के ड्रेसेस, तो वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक टच करना होता है। और यदि मेरा वीडियो पसंद
बॉम्बे से खरीदा था। ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ऐसा लगता है बॉम्बे में कपड़े कहाँ मिलते होंगे इस टाइप के, लेकिन ये उसकी खुद की अपनी पसंद है और ये बॉम्बे से खरीदी हुई है। देखिए ये भी कितना प्यारा लग रहा है देखने में। इसकी चुन्नी कुछ इस तरह की है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगा था और भतीजे के साथ उसने डांस किया था तो उसने भी मैचिंग के ही पहन रखे थे तो डांस बहुत अच्छा लगा था। आप लोग वीडियो में जरूर देखिएगा। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। इसके बाद दोस्तों महिला संगीत में हमने ये वाली ड्रेस पहनी थी, ये कलर हमको देखते ही बहुत पसंद आया था, अलग हटके है ये कलर और इसका ब्लाउज भी कुछ ज्यादा हेवी भी नहीं है, ये पहनने में अच्छा हल्का है और पूरे महिला संगीत में काफी देर तक रहना पड़ता है अपने को, आखिरी तक जब तक मेहमान जाते हैं तब तक करीब 12 बज जाती है, हालांकि 10 बजे खत्म हो जाता है महिला संगीत, लेकिन खाना वाना खाते खाते 12 बज जाती है तो पहनने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत हेवी है। ये देखिए तो इस तरह से मैंने अपने ये जो कपड़े हैं ये सारे बता दिए हैं आपको, तो अब बस रहे हैं पार्टी के ड्रेसेस, तो वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक टच करना होता है।